हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन एजुकेशन चैनल। आज इस वीडियो में अनुवांशिकता पर आधारित क्वेश्चन आंसर के बारे में जानेंगे, जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में टोटल 10 क्वेश्चन होंगे, जो हर बार किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। वीडियो स्टार्ट करने से पहले, आप इस चैनल पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। जैसे आप लोगों को पता है, हर क्वेश्चन के स्टार्टिंग में आप लोगों को एक क्वेश्चन दिया जाता है, उसका आंसर कमेंट में लिख के देना होता है। तो आप लोगों को इसका आंसर कमेंट में लिख के देना है। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी किस नाम से जानी जाती है, इसका आंसर क्या करना है आप लोगों को कमेंट में लिख के देना है। चलिए देखते हैं कितने लोग एक क्वेश्चन का आंसर दे पाते हैं। चलिए क्वेश्चन देखते हैं, साथ साथ आप लोग आंसर भी देते जाइए, आप लोगों का एक प्रकार का टेस्ट भी हो जाएगा। चलिए पहला क्वेश्चन करते हैं। वंशानुगत चरित्र को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है, जल्दी से बताइए आप लोग। सॉरी, किस रूप में जाना जाता है, जेनेटिक्स, ऑप्शन डी आप लोगों का आंसर होगा। जेनेटिक्स के रूप में, अनुवांशिकता के रूप में जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अनुवांशिकी के पिता के रूप में कौन जाना जाता है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। फादर ऑफ जेनेटिक्स किसे बोला जाता है, क्या होगा आंसर इसका, ग्रेगर मेंडल, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए आप लोग का आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्परिवर्तन शब्द किसने दिया था, उत्परिवर्तन शब्द किसने दिया था, हुगो डी ब्रिज ने, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी आप लोग का आंसर होगा, हुगो डी ब्रिज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुवांशिकी का कौन सा शब्द एक पौधे कोशिका की संभावित क्षमता को पूर्ण संयंत्र में विकसित करने की प्रक्रिया प्रतिनिधित्व करता है, क्या होगा इसका आंसर, प्लूरी पोटेनिस, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए आप लोगों का आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिकाओं में पाए गए गुणसूत्र का नाम दें जो कि सेक्स गुणसूत्रों के अलावा अन्य पात्रों के लिए जिम्मेदार है, क्या होगा इसका आंसर, ऑटोजोम्स, ऑप्शन ए आप लोगों का आंसर होगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ला ऑफ डोमिनेंस क्या होता है, ला ऑफ डोमिनेंस क्या होता है, ऑप्शन पढ़िए आप लोग और आंसर भी दीजिए जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, क्या होगा आंसर इसका, ज़्यादा टाइम लग रहा हो तो वीडियो को पॉज कर लीजिए आप लोग, ऑप्शन होगा 6B, क्या होगा 6B। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जीन में अचानक परिवर्तन जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में होता है उसे क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, उत्परिवर्तन, ऑप्शन डी, क्या बोलते हैं, उत्परिवर्तन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा पौधा ग्रेगर मेंडल अपने प्रयोग के लिए क्रांस नस्ल का लेकर आए थे, मटर का पौधा, किसके लिए, मटर का पौधे के लिए, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिंकेज शब्द का संबंध पहली बार किस वैज्ञानिक द्वारा किया गया था, किस वैज्ञानिक द्वारा किया गया था, हरमन जोसेफ मुलर द्वारा, सॉरी थॉमस हंट मार्गन द्वारा किया था, क्या कहा था, थॉमस हंट मार्गन द्वारा, ऑप्शन सी आप लोग का आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी प्रक्रिया मेंडल ला का अपवाद है, क्या है, लिंकेज, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी अपवाद है। तो ये रहा है वीडियो, वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में लिख के जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।